नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को शारदीय दूसरे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। बताना चाहेंगे कि पावन नवरात्रे माता रानी के चल रहे हैं और कंजकों को लोग पूजन करेंगे जब माता रानी के नौ रूप स्वरूपों की यानी के पूरे नवरात्रे होंगे उस दिन के। और बताना चाहेंगे हर धर्म में बेटियों को बच्चियों को पूजा जाता है। अगर बात करें मुस्लिम धर्म को तो बेटी को खुदा की रहमत कहा जाता है, और अगर हिंदू धर्म की बात करें तो बेटियों को देवी रूप कहा जाता है। पर हर धर्म में ऐसे बुरी मानसिकता और गंदी मानसिकता रखने वाले लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं बेटियों की असमत को तार तार करते हैं। एक शर्मनाक वाक्य फिर से आ रहा है बांदीपुरा से। एक बार फिर से एक माइनर बच्ची को सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। बताना चाहेंगे बांदीपुरा ज़िले में एक और यौन उत्पीड़न का मामला, जो घटना सामने आई है जो कहीं ना कहीं शर्मसार करती है, और पॉक्सो एक्ट के तहत एक व्यक्ति को यानी एक मामला दर्ज किया गया। बताना चाहेंगे पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। बताना चाहेंगे व्यक्ति पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। बताएंगे 15 अक्टूबर कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में बांदीपुरा ज़िले में यौन उत्पीड़न की एक और दुखद घटना से यानी के हिल गया है बांदीपुरा। नाबालिग लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक अन्य व्यक्ति पर यौन अपराध के से बच्चों का संरक्षण यानी के पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है जिसकी पहचान कानूनी प्रोटोकॉल के अनुपालन में गुप्त रखी जा रही है। उन पर एक नाबालिग लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाया है, और घटना यानी कि बांदीपुरा के हाजिन इलाके में हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने भी इस यानी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुष्टि की और कहा कि आरोपी पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच भी जारी है। ये जानकार निराशा हुई है कि ये घटना हाल के दो अन्य मामलों के बाद हुई, यानी पहले भी दो मामले हो चुके हैं, ये तीसरा मामला है। एक मामले में कक्षा की गतिविधि के दौरान कथित तौर पर एक छात्रा का हिजाब फाड़ने के लिए एक शिक्षक पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, वो खबर भी हमने आपके समक्ष लाई थी। दूसरे में एक व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये अब तीसरा मामला, बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण ये हम खबर आपके समक्ष ला रहे हैं कि लगातार कुछ ही दिनों में ये तीसरा यौन उत्पीड़न का मामला के नाबालिग बच्चों के साथ इस तरह से दरिंदगी की जा रही है। फिलहाल ये बांदीपुरा से शर्मनाक वाकया सामने आया कि एक व्यक्ति के ऊपर फिर से यौन उत्पीड़न मामला, एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत मामला दर्ज किया गया है। और खुद सोचिए कि कैसे लोग जो इतनी गंदी और इतनी दरिंदगी भरी मानसिकता रखते हैं कि माइनर बच्चियां, नाबालिग बच्चियां जिन्हें यह भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ किस तरह की कोई गंदी मानसिकता रख रहा है। हमारे आसपास, आपके आसपास भी इस तरह से घिनौनी मानसिकता रखने वाले लोग घूम रहे होंगे, पर यह जरूर कहेंगे अब हमारी बच्चियों को भी सतर्क होना होगा, माता पिता भी उन्हें एजुकेट करना होगा, क्योंकि अब आए दिन हम देख रहे हैं बच्चियां भी सतर्क हो रही हैं, बच्चियां भी अब अवेयर हो रही हैं, माता पिता भी अवेयर हो रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक वो समय था जब ऐसा कुछ होता था कहीं ना कहीं माता पिता समाज के डर से, शर्म के डर से चुप रहते थे और बच्चियों को भी इसके खिलाफ ना आवाज उठाने के लिए उन्हें दबाव डालते थे, पर अब समय बदल रहा है। अब बच्चियां कहीं ना कहीं आवाज अपने माता पिता को बता रही हैं, माता पिता उन्हें ये नहीं कहते कि अब चुप हो जाए, माता पिता उन्हें साथ देते, उनका मनोबल बढ़ाते हैं कि अब गलत के खिलाफ आवाज उठानी है। आज आप अपने परिवार की बहन बेटी के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो ये सोचिए कि आप समाज की बच्चियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों के लिए जो समाज में आप किसी भी बहन बेटी की के ऊपर इस तरह की गंदी नजर रखते हैं, इस तरह की गंदी मानसिकता लेकर समाज में घूम रहे हैं। हमारे हर कोई धर्म बेटियों की इज्जत करना सिखाता है, हर किसी धर्म में बेटी
बेटी को देवी का रूप, बेटी को भगवान की, खुदा की रहमत माना जाता है, उसके बावजूद भी आप धर्म के खिलाफ जाते हैं, आप कानून के खिलाफ जाते हैं, आप कहीं ना कहीं समाज में इस तरह की गंदी मानसिकता लेकर घूमते हैं, तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसे लोगों को इनके असली मुकाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। माता पिता से भी निवेदन करते हैं, अपनी बच्चियों से भी निवेदन करते हैं, और ख़ास करके स्कूलों में अब ये एजुकेशन भी देना शुरू कर दिया है बच्चियों को छोटी क्लासेस में। अब बच्चे स्कूल टीचर्स में आपने भी देखा होगा गुड टच और बैड टच, कि बच्चियों को शुरू से छोटी क्लासेस में ही अब टीचर भी एजुकेशन देना शुरू कर दिया है कि गुड टच और बैड टच के बारे में फील करवाया जाए कि जब आपको अपने माता पिता के अच्छे टच के साथ छूते हैं तो आपको कैसा फील होता है, और जब कोई गंदी मानसिकता वाला व्यक्ति या युवा आपको छुएगा तो आपको एक नेगेटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आपको तुरंत पता चले जाए कि इस व्यक्ति की या युवा की मानसिकता क्या है। तो ऐसी चीज़ें एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं जिससे हमारी बच्चियाँ बच सकती हैं, जिससे हमारी बच्चियाँ अवेयर हो सकती हैं, जिससे हमारी बच्चियों की आबरू बच सकती है। तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों का, माता पिता का और टीचर्स का भी ये काम है। हम ये निवेदन करते हैं स्कूल एजुकेशन से भी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से भी और जो इदारे हैं, कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को स्कूल में अनिवार्य कर देना चाहिए, कि क्लास में अलग से एक चैप्टर बना देना चाहिए कि खास करके बच्चियों को ज़रूर इसके बारे में ये यानी एजुकेशन देनी चाहिए। और हमारे माता पिता का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बच्चियों के साथ साथ अपने बच्चों को भी, घर में अगर बेटा है तो उसको भी एजुकेशन देनी चाहिए कि किस तरह से बेटियों का, अपनी बहन बेटी का जिस तरह से सम्मान करते हैं, कि दूसरे की घर की बहन बेटी का भी सम्मान करना है। जब समाज के लोग मिलकर इन सब पर कार्य करेंगे, समाज के लोग मिलकर इस मुहिम को चलाएंगे, तो ये देखिएगा किस तरह से ये क्राइम रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो फिलहाल एक शर्मनाक वाक्या फिर से यानी कि बांदीपुरा से सामने आया है। पहले भी इस तरह के वाक्य हो चुके हैं कि एक व्यक्ति पर फिर से यौन उत्पीड़न का मामला एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं, ऐसी गंदी मानसिकता, दरिंदगी भरी मानसिकता वाले लोग, कि बच्ची है कहाँ सुनाएगी, और लोग कहाँ, माँ बाप कहाँ ये चीज़ को उजागर करेंगे। पर अब बच्चियाँ भी अवेयर हो चुकी हैं और माता पिता भी अब बड़ी बोल्डली से इन चीज़ों को सामने लेकर आए, होना भी चाहिए। ऐसे लोगों को, समाज के ऐसे दरिंदों को, उन्हें सजा दिलवाने में ज़रूर समाज को मिलकर काम करना होगा। फिलहाल ये बड़ी शर्मनाक हरकत है, बड़ी ही बुरी खबर है, बड़ी यानी कि कहीं ना कहीं शर्मिंदगी इंसानियत रिश्तों को, और कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे कि तार तार कर देने वाली खबर है कि माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं। और देखिए ऐसे लोगों की मानसिकता, चाहे किसी भी धर्म का हो, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, पर हर धर्म में इस तरह की गंदी मानसिकता वाले लोग ज़रूर आपको मिलेंगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, खास करके माता पिता को हम ज़रूर कहेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ज़रूर कहेंगे कुछ भी अगर आपकी बहन बेटी के साथ होते तो उसे छुपाइए मत, हिम्मत दीजिए अपनी बेटियों को और सामने आइए और ऐसे दरिंदों को एक्सपोज कीजिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।